नमस्कार, मैं हूं मुस्कान मित्तल अग्रवाल और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के ओल्ड कैंपिंग ग्राउंड में, जहां पर व्हीलचेयर टूर्नामेंट हो रहा है। जी हां, व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, वो भी नेशनल लेवल पर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के ओल्ड कैंपिंग ग्राउंड में, जहाँ दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। आपको बता दें कि 8 राज्यों की 10 टीमें यहाँ पर खेल रही हैं, मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, हरियाणा से पुरुष टीमें हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और मध्य प्रदेश की दिव्यांग महिलाओं की टीमें भी मैदान में खेल चुकी हैं। आपको बता दें कि देश भर से 180 खिलाड़ी इस वक्त इस मैच के लिए आए हुए हैं। भोपाल के ओल्ड कैंपिंग ग्राउंड में यह टूर्नामेंट 6 दिसंबर से हो रहा है। आइए बात कराते हैं आपकी कुछ प्लेयर्स से जो इस वक्त यहां पर बैठे हैं, और बात कराते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम गौरी शंकर बरेट है और मैं छत्तीसगढ़ कोरबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। कैसा कुछ रहा ये मैच जो अभी चल रहा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, मैं फर्स्ट टाइम नेशनल खेला हूँ तो अच्छा लगा मेरे को। सर, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा? एक्चुअली मैम, हम लोग तो व्हील चेयर क्रिकेट प्रोफेशनल हैं। अगर जहाँ तक नॉर्मल गेम्स की बात हो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिकी पॉन्टिंग का मैं सपोर्टेड हूँ और उनके ही फैंस हूँ मैं। सर, जो मेन क्रिकेट होता है जो विदाउट फिजिकली डिसेबल्ड के लिए होता है और जो फिजिकली डिसेबल्ड का होता है, क्या आप बोलेंगे जो चैलेंजेस फिजिकल डिसेबल्ड पीपल फेस कर रहे हैं? बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसमें। पर्टिकुलर से देखा तो जाए तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें व्हीलचेयर मूव ऑन होती है, और ये व्हीलचेयर्स का जो मॉड्यूलेट होती है प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्पोर्ट्स की व्हीलचेयर होती है मैम। तो ये नॉर्मल जो पेशेंट लोगों के लिए हॉस्पिटलाइजिंग में जिस तरह से मुहैया होती है, इन व्हीलचेयरों से काफ़ी डिफरेंस होती है और नॉर्मल क्रिकेट लोगों से भी काफ़ी डिफरेंस होती है, क्योंकि इसमें फुटरेस्ट का काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग्स होती है। फुटरेस्ट में पाँव जो है जमीन में टच नहीं होती है इसमें। ये रूल्स प्रोटोकॉल है DCCBI का, और इसमें बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल्स होती हैं कि जितने भी खिलाड़ियाँ होती हैं मैक्सिमम सब डिसेबिलिटी से बिलोंग करने वाले होते हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अनक्वालिफाइड्स होते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग्स करते हैं, तो उन लोगों को समझाना, अंडरस्टूड कराना, एग्जीक्यूट कराना, प्रैक्टिस कराना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है नॉर्मल क्रिकेट लोगों से। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत टफ गेम होती है, क्योंकि हम लोगों का जो बाउंड्री का दायरा होती है 45 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली होती है मैम सर्कल के रिगार्डिंग, वहाँ से हमें पूरा शॉट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा टफ गेम है मैम। आइए बात कराते कुछ और प्लेयर से। सर, शुरुआती दिनों में क्या कुछ परेशानियाँ आप लोग को झेलनी पड़ती हैं? शुरुआती दौरों में हमें परेशानी भी पड़ती है, जैसे कई खिलाड़ी लोग का व्हील चेयर दौड़ान नहीं आता है, बॉलिंग बैटिंग में ये सब की परेशानी होती है। जी जी सर, क्या कुछ प्रोसेस रहा, प्रोटोकॉल वगैरह रहा, कुछ जानकारी देंगे आज के मैच की? प्रोटोकॉल इसमें ऐसा है कि मेरा जो नेशनल पल का ये है कहकर उतना तो जानकारी मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे वाइस कैप्टन हैं जो इसके बारे में बता सकते हैं आपको। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है छत्तीसगढ़ टीम के वाइस कैप्टन, आइए उनसे बात कराते हैं और आपको कुछ जानकारी देते हैं। सर, आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम लक्की सोनी है और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। सर, आप टीम के वाइस कैप्टन हैं, तो पूरी टीम बनाने में क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहता है, थोड़ी जानकारी दीजिए। मैम, प्रोसेस तो बहुत रहता है, जैसे कि हमें प्रॉपर दिव्यांग खिलाड़ी चाहिए रहते हैं और उनके लिए प्रॉपर व्हील चेयर जो रहती है हमारी स्पोर्ट की व्हील चेयर, तो हमें क्या करते हैं अपने पहले ये जो गेम है ना मैम, इसको ना जिले से स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद नेशनल लेवल तक लाना पड़ता है। तो बहुत सारी मैम ऐसे चीज़ें हैं कि हमें जैसे कि दिव्यांग खोजना रहता है ना मैम, तो उसको ढूंढो फिर ले क्या वहाँ पर उनको फिर ट्रेनिंग दो, है ना मैम, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है इसमें मैम। उस पर जाके फिर ना एक टीम बनती है जो कि उसमें से जो अच्छा खेलता है फिर उनको हम वो नेशनल भी लेके जाते हैं मैम। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसा जुनून है, ये टीम तेलंगाना है जो कि फाइनल टूर्नामेंट खेल रही है जम्मू कश्मीर के खिलाफ। आइए बात कराते हैं इन प्लेयर से और बताते हैं आपको कि क्या कुछ इनके बीच में चल रहा है। सर, आपका नाम? समीउद्दीन। सर, कैसा कुछ मैच रहा? बहुत अच्छा रहा मैच, हम बहुत दूर से आए थे, वैसे तो जब जीत 2 रन हमारा जीत जाते हम, फाइनल में हमारी जीत होगी। फाइनल में पहुंच गए, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी मिल रही है, बहुत बहुत खुशी मिल रही है, हमारे मेहनत को जो कितना मेहनत करेगी उसको ही अपन को बराबर जैसे दे दिया। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तेलंगाना की टीम ने ये फाइनल टूर्नामेंट जीत लिया और इसी के साथ हमें हमारी विजेता टीम मिल गई है। दिस वॉज
ये इस वक्त फाइनल मैच जो था जम्मू कश्मीर तेलंगाना के बीच में जो हो रहा था, इसमें तेलंगाना की टीम ने जीत दर्ज कर ली है। पहली बार व्हील चेयर टूर्नामेंट जो कि मध्य प्रदेश में हो रहा था, ये पहली बार था कि नेशनल लेवल टूर्नामेंट हो रहा था और इसकी विजेता टीम टीम तेलंगाना हमें मिल चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी। आइए बात कराते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जो अभी देखने को मिला है। सर, तेलंगाना टीम जीत गई है, क्या कुछ कहना है? निश्चित रूप से व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट उमंग, उत्साह, जोश और एक अलग एनर्जी लेवल पर होता है, हर बार का मेरा अनुभव है और बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाता हूँ। उमंग दीप सोसाइटी के माध्यम से दीप्ति पटवाजी मैडम और उनकी पूरी टीम व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का बहुत रोमांच से भरा हुआ आयोजन शहर में आयोजित करती हैं, जहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी भाग भी लेते हैं और वो सबको एक सीख भी देकर जाते हैं कि अपने जीवन में कठिनाइयों को भूल करके अपनी खूबियों को पहचानते हुए परेशानियों पर विजय कैसे पाया जाता है। अगर ये सीखना है तो इन हमें स्पोर्ट्स पर्सनों से सीखना चाहिए। सर, महिलाएं भी शामिल थी और महिलाओं का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज तो देखिए नारी सशक्तिकरण का उदाहरण अगर देखा जाए तो देश की हमारी राष्ट्रपति भी महिला है और यहाँ पर भी व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में भी महिलाएं परेशानियों को झेलते हुए, तकलीफ को झेलते हुए, अपनी खूबियों को पहचानते हुए उन्होंने भी अपनी खूबी पर गौर करते हुए व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट को नई ऊंचाई देने का काम किया है। मैं उनको भी सबको बधाई देता हूँ, सारे खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ और उमंगदीप सोसाइटी और दीप्ति पटवा मैडम को बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने रोमांच से भरे हुए इस आयोजन का भोपाल में सफल आयोजन किया, उसके लिए बधाई। जी, नेशन वेयर से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है विमेन ऑफ द मैच। जी हाँ, विमेन ऑफ द मैच हमारे साथ मौजूद है जिनने मध्य प्रदेश की तरफ से विमेन ऑफ द मैच का खिताब जीता है। आइए बात कराते हैं। मैम, आपका नाम? फरीदा शेख। मैम, क्या उम्र होगी? 37। मैम, कैसा लग रहा है विमेन ऑफ द मैच बनके? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी टीम हमारी, पहली बार नेशनल लेवल पे कंपटीशन हुआ, कैसा क्या रहा? मतलब हम लोगों ने, मतलब सामने वाली टीम ने 51 रन बनाए, हमने 50 रन बनाए थे, सामने वाले को 52 बनाने थे, लेकिन हम जब मतलब फील्डिंग करे, हमने बॉलिंग वगैरह की, करते करते जब हम 18 रनों पर आए तो 18 बॉल्स बची थी और 18 ही मतलब रन बनाने थे। बस वही हमारा थोड़ा सा मतलब डगमगा गया कि अब शायद नहीं हो पाएगा। फिर हमारे सर ने मतलब हमारे सहयोग किया, बोले नहीं नहीं बनेंगे बनेंगे, तुम बनाओ, करो मेहनत करो, ऐसे करके पहले एक बार हमने मतलब बॉलिंग की, फिर हमने एक मतलब विकेट उस टाइम पे नहीं लिया हमने, फिर सेकंड चांस में जब हमने बॉलिंग की तो हमने एक विकेट लिया और लास्ट की दो बॉल जो बची थी उसमें एक विकेट ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मैन ऑफ द मैच और विनिंग टीम के कैप्टन कोटेश्वर। आइए बात कराते हैं, तेलंगाना ने मैच जीता है, क्या कुछ फील हो रहा है? बहुत खुश है मैडम, मैं ये पूरा मेरा टीम सपोर्ट है, जैसे मैं इतना अच्छा परफॉर्म किया हूँ, मेरा टीम बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट किया है, मैं कंग्रेचुलेशन कहूंगा मेरा टीम सबको, थैंक यू सो मच। आपको टूर्नामेंट में एक ही चक्का मारा है, सिक्सर मारा है, वो मैंने मारा है मैडम, इसके वजह से कैश अवार्ड मिला है मैडम। सर, इस टीम को पूरा फॉर्म करने में क्या कुछ दिक्कतें हुई, सब बताइए। एक्चुअली मैडम, हम जब टीम फॉर्म किया था, जब हमारे को व्हील चेयर नहीं था, जो हमारा स्टेट एसोसिएशन है उन लोग से मिलकर थोड़ा हम गवर्नमेंट से, हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट से बात करके हम सबको ये 13 व्हील चेयर मिला था हमारे को, उसमें हम वो तेलंगाना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारा प्लेयर्स रहता है, तो हम क्या करते हैं एक 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए ऐसा टूर्नामेंट के लिए हमारे को इन्विटेशन आ गया ना, जब हम करते हैं हमारा टीम को सब बुलाते हैं वहाँ पे एक ही जगह इकट्ठा करके हम प्रैक्टिस करते हैं मैडम, एटलीस्ट 1 वीक तो हम करते हैं। एमपी में ये पूरा ऑर्गेनाइज था, कैसा कुछ प्रोसेस रहा, कैसे कैसे आप लोग को रखा है, सब कुछ बताइए। मैडम, यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत अच्छा है, ये ऑर्गेनाइज अमंग नेशनल ट्रॉफी ये बहुत अच्छा परफॉर्म ये दिया हमारे को, होटल्स दिया यहाँ पे, खाने का पीने का बहुत अच्छा किया मैडम, रियली थैंक्स बोलूंगा हमारे वो फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइजिंग किया उन लोग को, हमारा डीसीसीबी को बहुत थैंक्स बोलूंगा।
थैंक यू, कांग्रेचुलेशन एवरीबॉडी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ओल्ड कैंपियन मैदान में अब जो व्हीलचेयर टूर्नामेंट जो कि नेशनल लेवल पर चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। हमें हमारी विनिंग टीम मिल चुकी है, मेन से तेलंगाना की टीम विनिंग रही, और जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं विमेन जो टीम थी वो मध्य प्रदेश की टीम ने विजय हासिल की है। मैं हूँ मुस्कान अग्रवाल, नेशन मिरर के लिए भोपाल से कैमरामैन गौरव के साथ।